माँ ये क्या आप अभी तक सब्जी काट ही रही हैं? वैसे तो सब लोग जल्दी उठ जाते हैं लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई काम ही नहीं करता। कर तो रही हूँ बहू, मेरी तबीयत ना आज कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम तो जानती हो पिछले हफ्ते के बुखार ने मेरे शरीर को कमजोर कर दिया है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही हूँ। माँ दादी तो सही कह रही है, तुम्हें तो पता है कि दादी की तबीयत खराब है और उम्र भी हो चुकी है। तुम चुप रहो तो। क्यों क्यों चुप रहूं? तुम हमेशा ही दादी को डांटती रहती हो। कल पापा ने तुमसे दादी को सेब और अनार देने को कहा था लेकिन आपने क्यों नहीं दिया, बताओ क्यों नहीं दिया आपने? अब ये सेब और अनार खाएंगी, क्या बात है। दादी अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो अब मुझे कहानी सुनाओ, वो भूत राजा की कहानी सुनाओ। क्या कहा, कहानी सुनाएंगी? ये घर में बैठकर बस खाती रहेंगी पूरे दिन? हाँ ये सब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये सब। चल तो उठ यहाँ से, चल मेरे साथ अंदर चल। ए भगवान ये कष्ट अब मुझसे और सहन नहीं होता, इस तरह जी कर मैं क्या करूँगी, इससे अच्छा तो मुझे अपने पास बुला लो। उम्र के इस अंतिम पड़ाव में मैं इस तरह जीना नहीं चाहती। अच्छा सुनिए माँ जी, पूरा दिन इस तरह खिड़की पर बैठकर गुजारेंगे क्या? थोड़ा बाजार जाइए ना, ऐसे बैठे बैठे तो पूरा शरीर खराब हो जाता है ना, तो कुछ काम कर लिया कीजिए। राशन ले आ सकती हैं, पानी भरकर ला सकती हैं, सब्जी लाने जा सकती हैं। सारा दिन बस खाती हैं और सोती हैं। अब आप ही बताइए कब तक अपने बेटे के पैसे बर्बाद करती रहेंगी आप? अच्छा लाओ बहू पानी का बर्तन दे दो, मैं ले आती हूँ। बेटे को पालने में ही सारी जिंदगी निकल गई मेरी, अब थोड़ा काम कर लेती हूँ। नौटंकी देखो जरा, घर वापस ना आए तो ही अच्छा है। गौरी तुम आज पानी लेने क्यों आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। कल्याणी तू तो सब जानती है, मेरा घर पर रहना बहू की आंखों में खटकता है। अब तो मेरा उस घर में रहने का मन नहीं होता, वो तो बस पोते की वजह से रुकी हूँ, मेरे पास तो वो वजह भी नहीं। पता है आज बहू ने क्या कहा? क्या कहा? कहा कि अगर मैं घर ना लौटूं तो ही अच्छा है। तुम्हारी बहू ने तो कह दिया है, और मेरी बहू अंदर ही अंदर दबा कर रखती है, बस यही अंतर है। पता है सावित्री मेरा मन करता है हम दोनों घर लौटे ही ना, हम दोनों कहीं और चले जाएं। यही तो मेरा भी मन करता है, लेकिन अब इस उम्र में हम दोनों कहाँ जाएंगे? बाप रे, छाती में बहुत बहुत दर्द हो रहा है, बैठ नहीं पा रही अब मैं। क्या हुआ तुझे, बता मुझे क्या करूं? सावित्री तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। मैं उस मंदिर में जाकर किसी को बुलाती हूँ, मुझे लगता है तुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। थोड़ी हिम्मत रख, मैं अभी आ जाऊंगी, बस अभी आती हूँ मैं। किसे बोलूं, किसे मदद के लिए बुलाऊं मैं? थोड़ा चलिए ना, वो मेरी दोस्त ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा तुरंत। आंटी मैं बहुत दूर से आया हूँ, अभी अगर आपके साथ गया तो फिर मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी, आप जाके किसी और से मदद क्यों नहीं मांग लेती? हे भगवान अब आप ही बताइए, अब इस समय मैं किसे बुलाऊं मदद करने के लिए? बेटी तुम मेरी एक बात सुनोगी क्या? हाँ बोलिए ना आंटी, क्या आपको महादेव का प्रसाद चाहिए? नहीं बेटी प्रसाद नहीं चाहिए मुझे, अभी मुझे बस अभी मदद चाहिए। वो
मेरी सहेली, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, उसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे किस तरह ले जाऊं। अच्छा, मैं आपके साथ चलती हूँ वहाँ पर, मैं देखती हूँ। बेटी चलो चलो। ये क्या, हमें तो इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ कुछ। बिल्कुल ठीक है सावित्री, सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। इसी ने तुम्हें सही समय पर हॉस्पिटल लाकर डॉक्टर से दिखलाया। बेटी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो तुम? मेरा नाम वैशाली है आंटी, मैं कोलकाता में रहती हूँ। भगवान भोलेनाथ के नाम पर मेरा एक स्वयंसेवी संस्थान है, वहीं से यथा संभव कई मंदिरों में भगवान के सभी भक्तों को समय समय पर खिचड़ी भोग का वितरण किया जाता है। तुम तो साक्षात भगवान का रूप हो बेटी। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो भगवान की इच्छा से ही होता है, मैं तो बस अपना काम करती हूँ। अच्छा आंटी जी, आप लोग कहाँ रहते हैं? आपके घर पर बताना पड़ेगा ना। पता नहीं बेटा कहाँ रहते हैं, वो हमारा घर है भी या नहीं, हमें तो उस पर शक होता है। ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी जी आप? बताती हूँ, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ये क्या, आप अभी तक सब्जी काट ही रही हैं? माँ, आप दादी से इस तरह से चिल्ला के क्यों बात कर रही हैं? तुम चुप रहो तो, ये सब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये सब। अच्छा सुनिए माँ जी, अब आप ही बताइए कब तक अपने बेटे के पैसे बर्बाद करती रहेंगी आप? अच्छा लाओ बहू, मैं ले आती हूँ, घर वापस ना आए तो ही अच्छा है। क्या आप लोग हमारे साथ रहेंगे हमारी संस्था में? रहने दोगी बेटी वहाँ हम दोनों को? क्यों नहीं रहने दूंगी आंटी जी, आप दोनों की तरह कई बुजुर्ग वहाँ पर रहा करते हैं, वो भगवान का प्रसाद बनाते हैं, पूजा करते हैं और हंसी खुशी मिलकर वहाँ पर रहते हैं। ये तो अच्छी बात है, हम लोग चलते हैं। जिंदगी का अधिकतर समय घर पर काट लिया मैंने, अब बाकी का बचा खुचा समय भगवान के नाम पर काटना चाहूँगी। चल सावित्री, जिंदगी के अंतिम पल में हम दोनों दोस्त साथ रहा करेंगे। ठीक है चलो चलते हैं।